केंद्र सरकार ने मंगलवार को लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखकर विज्ञापन पर रोक लगाने के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई। सरकार की इस यू टर्न पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने कहा, संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। राहुल गांधी ने आगे लिखा, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। राहुल गांधी की टिप्पणी पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है। भाजपा सांसद ने कहा, राहुल गांधी और उनके खानदान की आरक्षण और एससी एसटी ओबीसी को लेकर जो खानदानी विरासत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है और उनकी अज्ञानता भी किसी से नहीं छिपी। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे कैबिनेट के जो सचिव बने हैं वो किस बेंच के हैं। उन्हें न पता हो तो हम बताते हैं कि वह 1987 बेंच के हैं, जब उनकी पार्टी और उनके पिताजी की सरकार थी। उन्होंने क्यों ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया था? कांग्रेस और कुछ अन्य दलों की ओर से जिस तरह आपत्ति जताई जा रही है वह यही बताती है कि विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति की जा रही है। यह आश्चर्यजनक है कि इस राजनीति की कमान राहुल गांधी अपने हाथ में लेते दिखाई दे रहे हैं। कम से कम उन्हें इससे बचना चाहिए, क्योंकि मनमोहन सरकार के समय गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने ही प्रशासन में लेटरल एंट्री की सिफारिश की थी। स्पष्ट है कि कांग्रेस एक बार फिर अपने शासन के समय सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों का विरोध कर रही है। वह ऐसे ही नकारात्मक रवैये का परिचय आधार की उपयोगिता बढ़ाने के मामले में दे चुकी है। राहुल गांधी को यह नहीं भूलना चाहिए कि वित्त सचिव के रूप में मनमोहन सिंह की नियुक्ति लेटरल एंट्री ही थी और वह भी बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया के। इसके विपरीत वर्तमान सरकार एक तय प्रक्रिया के तहत लेटरल एंट्री कर रही है। इसी कारण इसकी जिम्मेदारी संघ लोक सेवा आयोग को दी गई है। राहुल गांधी जिस तरह अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक झूठा विमर्श खड़ा कर रहे हैं, इसका पता इससे पहले भी चलता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय स्वयं उन्होंने पूर्व सैन्य अधिकारियों को लेटरल एंट्री के जरिए सिविल सेवाओं में शामिल करने का वादा किया था। लेटरल एंट्री का उद्देश्य है कि जहां कहीं भी कुशल और जानकार लोग हो उनकी प्रशासन के संचालन में सेवाएं ली जाए, ताकि सरकारी नीतियों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। विपक्षी दलों को यह भी पता होना चाहिए कि लेटरल एंट्री के जरिए जो नियुक्तियां की जा रही है वह अस्थायी है। यह नियुक्तियां केवल 3 वर्ष के लिए हैं और उनमें अधिकतम 2 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। प्रशासन में सुधार की हर पहल को आरक्षण से जोड़ना केवल यही नहीं बताता कि वोट बैंक की सस्ती राजनीति बेलगाम हो रही है, बल्कि यह भी इंगित करता है कि आरक्षण को हर मर्ज की दवा मान लिया गया है। यह ठीक नहीं है। भाजपा और साथ ही मोदी सरकार को इसके प्रति सतर्क रहना होगा और विपक्षी दल उसके खिलाफ झूठा नैरेटिव खड़ा कर जनता को गुमराह न कर पाए। लोकसभा चुनाव में वे ऐसा कर चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर विवाद हाल ही में फिर चर्चा में आया है, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन स्थित एक कंपनी के दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक के रूप में घोषित किया था। सुब्रमण्यम स्वामी इस आधार पर राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय से हस्तक्षेप करने की मांग की है। अब इसी मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर अब जनहित याचिका की तरह सुनवाई करेगा। स्वामी ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दे। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने मामले को जनहित याचिका से निपटने वाली रोस्टल बेंच को भेज दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्वामी से पूछा कि इस तरह के मामले में उनका कानूनी रूप से स्वीकार्य अधिकार क्या है। न्यायमूर्ति नरूला ने कहा कि अगर कोई अधिकार है तो इसे जनहित माना जाना चाहिए और इससे ज्यादा नहीं। अदालत ने स्वामी से कहा है कि मामले में कोई कानूनी रूप से स्वीकार्य अधिकार नहीं मिल पाया है जिसे लागू किया जा सके।
इस पर स्वामी ने कहा, अगर अदालत को लगता है कि याचिका को जनहित याचिका के रूप में सुना जाना चाहिए तो यह अदालत के अधिकार क्षेत्र में है कि वह इसे जनहित याचिका से निपटने वाली पीठ को भेजे। उन्होंने दलील दी कि यह भारत सरकार के लिए है, वो इसे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने इस संबंध में गृह मंत्रालय को शिकायत दी थी जो कि स्वीकार कर ली गई है और राहुल गांधी से इस पर अपना जवाब देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि लेकिन अभी तक इस मामले में कोई प्रक्रिया नहीं हुई है और न ही याचिकाकर्ता को कोई सूचना दी गई है। स्वामी ने अपनी याचिका में गृह मंत्रालय को विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ उनके द्वारा दायर किए गए आवेदन पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की भी मांग की है। उन्होंने अदालत को बताया कि 6 अगस्त 2019 को उन्होंने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश सरकार को अपनी इच्छा से ये बताया कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं। स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि कांग्रेस नेता ने भारतीय नागरिकता होने के नाते भारतीय नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन किया है और वह भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे। स्वामी ने कहा कि उन्होंने अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए मंत्रालय को कई आवेदन भेजे हैं, लेकिन न तो कोई कार्रवाई की गई है और न ही इसके बारे में सूचित किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। पहाड़ी राज्य मेघालय में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 4 में से 3 विधायकों ने अचानक पाला बदल लिया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा की मौजूदगी में सोमवार को कांग्रेस के 3 विधायक नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP ज्वाइन कर लिए। एक्स पर सीएम संगमा ने लिखा कि विधायकों का पार्टी में शामिल होना NDA सरकार के विजन में विश्वास का प्रमाण है। संगमा ने कहा कि कांग्रेस के 3 विधायकों का NPP में स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। उनका शामिल होना हमारी सरकार के विजन में विश्वास का प्रमाण है। मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP को मजबूती प्रदान करते हुए सोमवार को कांग्रेस के कुल 4 विधायकों में से 3 विधायक सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गए, जिससे 60 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी के विधायकों की संख्या 31 हो गई। NPP ने अब मेघालय में अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया है। यहां UDP और भाजपा जैसी अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन की सरकार है। विपक्षी कांग्रेस के खाते में अब सिर्फ 1 विधायक बचा है जो विपक्ष के नेता RV लिंगदोहो है। सत्तारूढ़ गठबंधन में अब विधायकों की संख्या 47 है। सूत्रों ने बताया कि पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर सेलेस्टाइन लिंगदोहो, गैब्रियल वाहयांग और चार्ल्स मार्गनर ने विधानसभा अध्यक्ष थॉमस ए संगमा से मुलाकात की और उन्हें NPP में शामिल होने के अपने फैसले से अवगत कराया। एक आदेश में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, यह 3 सदस्य मेघालय विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के 2/3 सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें विधानसभा में NPP के सदस्य के रूप में सीटें आवंटित की जाएगी। कांग्रेस ने वाहयांग और मार्गनर को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। NPP अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने 3 का पार्टी में स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने PTI भाषा से कहा, सरकार के रूप में हमारी भूमिका मेघालय के लोगों के लिए अधिकतम विकास सुनिश्चित करना है। हमने अगले आदेश के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं और हम उन्हें प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। हम उन सभी का स्वागत करते हैं जो सफलता की कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनका शामिल होना पार्टी के प्रभावशाली विकास एजेंडे को दर्शाता है जो सभी को साथ लेकर 2032 तक राज्य को और अधिक विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम करेगा। NPP के 31 विधायकों के अलावा सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक के UDP के सदन में 12 सदस्य हैं, HSPDP के 2 और भाजपा के 2 सदस्य हैं। विपक्षी तृणमूल कांग्रेस के 5 विधायक हैं, VPP के 4 और कांग्रेस के 1 सदस्य हैं। सदन में 2 निर्दलीय विधायक भी हैं, विधानसभा में 1 सीट खाली है। आपको बता दें कि मेघालय में 60 सीटों वाली विधानसभा में NDA के 46 विधायक हैं। इनमें NPP के 31, 3 कांग्रेस विधायकों के शामिल होने के बाद भाजपा के 2, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के 12 और हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी HDPDP के 2 विधायक शामिल है। NDA गठबंधन को 2 निर्दलीय उम्मीदवारों का भी समर्थन प्राप्त है। इनमें सबसे अधिक 5 विधायक TMC के हैं। कांग्रेस के पास अब केवल 1 और वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी के पास 4 विधायक हैं।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मुंबई में मंगलवार 20 अगस्त को सद्भावना दिवस संकल्प रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिवसेना यूपीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए थे। उन्होंने इस कार्यक्रम में कांग्रेस की जमकर तारीफ की। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ समय के लिए कांग्रेस का पटका तक पहन लिया था। कांग्रेस का पटका पहने उद्धव को देखकर लगा कि वो अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस का पट्टा पहनने का जिक्र खुद उद्धव ठाकरे ने भी किया। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष ने कहा, आज मैंने भी खुद को ही चुटकी काट कर देखा कि मैं सही में कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुआ क्या। फिर मैंने वह कांग्रेस का स्कार्फ पहना, जानबूझकर पहना ताकि कल इसका फोटो आए। मैं कांग्रेस का विरोध पहले करता था, पर बदले की भावना द्वेष मन में नहीं था। भाजपा महाराष्ट्र ने लिखा, उद्धव ठाकरे की कांग्रेस में सार्वजनिक एंट्री। सत्ता के लिए बेचैन उद्धव ठाकरे न केवल कांग्रेस की गोद में बैठते हैं, बल्कि अब उन्होंने कांग्रेस का दुपट्टा भी स्वीकार कर लिया। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने सदैव कांग्रेस विचारधारा का विरोध किया। उनका दृढ़ संकल्प था कि मैं अपनी शिवसेना को कभी कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे सब धूल धूसरित हो गए। सिर्फ सत्ता के लिए हिंदुत्व और भगवा दिया और कांग्रेस के गले में पट्टा बांध लिया। उद्धव ठाकरे आपके उरला सुरला उभाटा ग्रुप का, लेकिन कांग्रेस में विलय। इसका मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। उद्धव ठाकरे पर तंज करते हुए बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने बाला साहेब ठाकरे का पुराना वीडियो दिखाते हुए लिखा, गले में परजीवी कांग्रेस का पटका पहनकर उद्धव ठाकरे ने ना सिर्फ बाला साहेब ठाकरे का अपमान किया, बल्कि भगवा की भक्ति, हिंदुत्व की शक्ति, शिवाजी महाराज की राष्ट्रवादी सोच और हर पल देश द्रोहियों का विरोध वाला विचार त्यागने का खुला ऐलान कर दिया है। सूर्य प्रकाश मैथिली ने लिखा, उद्धव ठाकरे अपना वर्चस्व मिटा के कांग्रेस के पिछलगू बन गए हैं। जो अपने पिता के वसूलों पर नहीं चलते, उसकी यही दिशा होती है कि दूसरे के पैर धोने पड़ते हैं, जैसे आजकल उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। ओमकार चौधरी ने लिखा, बाला साहब ठाकरे की आत्मा को सार्वजनिक कष्ट किसी ने पहुंचाया है तो वो उद्धव ठाकरे हैं। जीवन भर वो कांग्रेस का विरोध करते रहे, पर उद्धव कांग्रेस की चौखट पर बैठे हैं। वो सहर्ष कांग्रेस का पटका भी स्वीकार कर रहे हैं। कार्यक्रम में एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, राजीव गांधी पर बाला साहब कड़ी टिक्का टिप्पणी करते थे, पर तब कभी हमारे घर ईडी सीबीआई नहीं आई थी। राजीव गांधी ने कभी बदले की भावना से राजनीति नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब और पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद से निपटने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए ठाकरे ने कहा कि राजीव गांधी चुनौतियों से निपटने में कभी नहीं कतराते थे और साहस पूर्वक उनका मुकाबला करते थे, लेकिन अब रवैया यह है, मणिपुर और कश्मीर को जलने दो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले केंद्र सरकार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की सुरक्षा बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने एनसीपी चीफ को जेड प्लस श्रेणी सुरक्षा प्रदान करने का ऐलान किया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सशस्त्र वीआईपी सुरक्षा में रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान अक्टूबर से पहले हफ्ते में होने की उम्मीद की जा रही है। लोकसभा चुनाव में शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने 8 सीटें जीती थी। शरद पवार केंद्रीय मंत्री के अलावा महाराष्ट्र के 4 बार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि राज्य में आरक्षण के मुद्दे पर मराठा और ओबीसी समुदाय के बीच काफी तनाव है। केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनाव में शरद पवार के मूवमेंट को देखते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ाई है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किए गए खतरे के आकलन की समीक्षा में 83 वर्षीय महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को उच्चतम श्रेणी की सशस्त्र वीआईपी सुरक्षा कवर की सिफारिश की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ से शरद पवार को भी जेड प्लस सुरक्षा कवर देने को कहा है। इस काम के लिए सीआरपीएफ के 55 सशस्त्र कर्मियों की एक टीम को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय एजेंसी द्वारा खतरे के आकलन की सिफारिश के बाद शरद पवार को जेड प्लस सिक्योरिटी प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने उन्हें वीआईपी सुरक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है। सुरक्षा के येलो बुक के मुताबिक शरद पवार को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। उनके चारों तरफ कड़ा सुरक्षा पहरा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी सुरक्षा में 58 कमांडो तैनात होंगे।
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव आयोग नई दिल्ली में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र की 288 सीटों का भी शेड्यूल जारी करेगा, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में ही चुनाव बिगुल बजा है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में भी हलचल तेज हो गई है। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस के बीच बैठक हुई। इस बीच उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री फेस पर कहा कि शरद पवार जिसे सीएम बनाएंगे मैं समर्थन दूंगा। महाराष्ट्र की बात करें तो मौजूदा स्थिति में यहां की राजनीति बुरी तरह उलझ चुकी है। पार्टियों में टूट हुई, एक धड़ा विपक्ष में है तो दूसरा सत्ता में चला गया है। ऐसे में विधानसभा चुनाव 2024 से उम्मीद की जा रही कि परिणाम के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। पिछली बार अक्टूबर 2019 में चुनाव हुआ था, तब भाजपा और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इनके खिलाफ कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था। चुनाव परिणाम में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी भाजपा और शिवसेना सरकार गठन नहीं कर पाए थे। बाद में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी बनाया था और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। सबसे बड़ा दल होने के बाद भी भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।